जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सीटेट पेपर वन 23 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था सीटेट पेपर वन में, उसके हम मैथ्स के प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। 23 जनवरी 2023 सीटेट पेपर वन के मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में, स्वागत है मेरे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आपका 31 नंबर से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं और 31 नंबर के मैथ के क्वेश्चन में अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, बड़ा अच्छा सा प्रश्न था। पूछा गया था कि श्रीकांत ने एक फूल खरीदी, फूलों का गुच्छा खरीदा, एक ट्यूलिप खरीदी जिसमें 5 पिंक 10 रेड और 12 येलो और 4 व्हाइट फ्लावर्स थे। मतलब उन्होंने एक फूलों का गुच्छा खरीदा जिसमें 5 पिंक रंग के और 10 रेड और 12 येलो और 4 व्हाइट कलर के फूल थे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इस ट्यूलिप में सभी के 6 प्लेट्स हैं, तो टोटल कितने प्लेट्स हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मतलब उन्होंने टोटल कितने फूल खरीदे, देखेंगे आप बच्चों। तो 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 4, टोटल उन्होंने इतने फूल खरीदे, ठीक है। तो इसको प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों 10 और 5 15 15 और 12 27 और 27 और 4 करेंगे तो 31। टोटल उन्होंने 31 फूल खरीदे, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक में 6 पत्तियां हैं। कह रहा है कि यहाँ पे कि इफ ईच ट्यूलिप फ्लावर हैज़ 6 पेटल्स, कितने हैं, 6 पत्तियां हैं, ठीक, पंखुड़ियाँ, सॉरी 6 पंखुड़ियां हैं, तो टोटल कितने उनके पंखुड़ियां हैं। तो 31 को 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा 6 6 3 18, 186, मतलब आपका 186 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपके आंसर में दिया है 186, यही आपका सही आंसर हो जाएगा 186। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों 32, घटते हुए क्रम में लिखी गई संख्या। अच्छा, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जा रही है, तो घटते हुए क्रम में देखेंगे तो 3500 से 2500 कम है 52, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो गलत यहाँ पे दिखा रहे, घटते हुए क्रम में जाना था यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 5249 इससे कम, 3549 इससे कम, 2542 इससे कम, तो आपका यही वाला सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ये आपका करेक्ट क्या हुआ, घटता हुआ क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2250 से 2500 घटता हुआ क्रम नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे आप कि 2250 से 2500 ये भी घटता हुआ क्रम नहीं हुआ, तो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हुआ। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे 23 जनवरी सीटेट पेपर वन मैथ्स के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, आपके आंसर की में आपने देखा होगा कि कई बार आंसर की में 9 लिख कर आ रहा है, राइट, 9। इसका क्या मतलब हुआ, वास्तव में जब भी सीटेट के पेपर में आपको इनफ डेटा नहीं दिया गया है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो वहाँ पे वो 9 आंसर की में आ रहा है। मतलब उस प्रश्न का उस नंबर जो है वो उसका अंक जो है सभी बच्चों को दिया जाएगा, उसी का ये एग्जाम्पल है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, केले की एक पहले गुच्छे में दूसरे केले की गुच्छों की संख्या से 1/4 अधिक है। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम है तो गुच्छों में केलों की संख्या। अब ये प्रश्न हो गया, इसको देखिए कैसे सवाल में गलती कहाँ हुई है और क्यों इसका विकल्प 9 लिख कर आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 गुच्छे हैं, ठीक है, ये हो गया गुच्छा नंबर 1 और ये हो गया बच्चों गुच्छा नंबर 2। तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे से 1/4 अधिक है, तो पहले में, दूसरे में अगर हम मान लेते हैं एक्स है तो पहले में होगा x+4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, x+1/4, ठीक है, कह रहा है x+1/4 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स में कह रहा है कि पहले से 1/4 अधिक है, ओके। अब नीचे कह रहा है यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से तीन केले कम है, यानी कि दूसरे में 3 कम है, अगर हम दूसरे में 3 और जोड़ देते हैं तो वो पहले के बराबर हो जाएगा, यानी कि x+1/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x x यही ख़त्म हो जाएगा, तो ये इनफ डाटा नहीं है। वास्तव में बच्चों इसका सही आंसर, इसका सही सवाल क्या होना चाहिए था, इसका सही सवाल ये होना चाहिए बच्चों कि पहले के 1/4 अधिक है। सवाल वास्तव में ये होना चाहिए कि केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या से नहीं, संख्या के 1/4 केले अधिक है, ऐसे होना चाहिए था। अगर ऐसे होता तो ये हो जाता दूसरे में x और पहले में x+x/4, ये हो जाता। अब इस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर इसमें हम 3 केले जोड़ देते x+3 = x+x/4,
तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 आती है, मतलब आपका ये सवाल सही होता। तो इस प्रकार से यानी कि इसमें सही ऑप्शन 3 होगा, हालांकि अगर सही डेटा दिया होता तो इसके नंबर सबको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 34 क्वेश्चन नंबर है कि संख्या 998 यदि पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो आरंभिक नई संख और नई संख्या में अंतर। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, कह रहा है कि पहले हमारा दिया है बच्चों 998, अब कह रहा है कि पहले और तीसरे को आपस में बदल दीजिए, यानी कि 8, 9 और 9 कर दीजिए। अब इसका कह रहा है कि डिफरेंस कितना होगा, इसका अंतर कितना होगा, तो इसका माइनस कर देंगे बच्चों। तो यहाँ से कैरी ले लीजिए 18 माइनस 9 9, यहाँ बचा 8 माइनस 9 9, यानी कि 99 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, बहुत ही अच्छा। अगर आपको 23 जनवरी का पेपर हुआ हो तो आपने तो सारा कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 4/5, 11/12, 1/8, 5/36, 5/7, सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन है, स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन नंबर आपको निकालना है। स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, आप इसमें देखेंगे 72 है, और 72 देखेंगे ये एक एलसीएम वैल्यू होगी सबकी, यानी कि अगर 36 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 72 हो जाएगा। तो हम ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 10। कोई दिक्कत नहीं। ठीक वैसे ही अगर 8 में आप 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये भी 72 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला हो जाता है बच्चों 9। ओके, ठीक उसी प्रकार से 12 में अगर 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 72 हो जाएगा। तो इसीलिए हम 11 में क्या करते हैं, 11 वाले में बच्चे 11 में हम 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 66, और 9 8 जा 72, तो 4 में हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 8 जा 32। तो आप देखेंगे 32, 66, 9, 10 और 5, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, इसमें छोटी वैल्यू हो जाएगी 5/72, 5/72, यही सबसे लीस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 5/72 ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बड़ा अच्छा प्रश्न था कि 1000 मतलब 1000 के अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें कितने प्राइम फैक्टर होते हैं, तो आइए हम कर लेते हैं। अगर आप 1000 की बच्चों सॉरी अगर आप 1000 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों, तो पहले अगर आपने दो से किया तो यहाँ पे हो जाएगा 500, कोई दिक्कत। फिर आप 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 250, फिर 2 से करेंगे 175, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5, यानी कि कितने प्राइम फैक्टर, एक 2 है और एक 5 है, इसके अलावा क्या है, कुछ नहीं है। तो 2 और 5 है मतलब केवल 2 संख्याएँ हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, केवल 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलिए इस सवाल को देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखेंगे अगर आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि इतने के योगफल में से ये घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, इतने के योगफल में से इसको सम कर लीजिए, 3, 7, 2, 9, पॉइंट का हमने पॉइंट लगा दिया, फिर इसको जोड़ेंगे तो 6 के बाद 9, ओके, फिर इसको जोड़ेंगे 11, कैरी 1, 9 to 11 2, ये आपको पहले वाले को जोड़ने के बाद आया। ठीक उस वैसे ही अगर दूसरे वाले को जोड़ लेते हैं तो दूसरे वाले को जोड़ेंगे तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 5 और ये हो गया बच्चों 8, कैरी 1, 3 1, ये हो गया 4 और ये हो गया बच्चों 3 और ये हो गया बच्चों 11। बस इसी को आपस में माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे बचा 8 8 माइनस 0 8, 0.8, देखिए 0.8 कहाँ है, पहले वाले में है, तो पहले वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा, 0.88 मतलब ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कह रहे हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्रिक आर इन सर्कल में कितने, ये तो बड़ा अच्छा सवाल था कि सर्कल में कितने सिमेट्री लाइन होते हैं बच्चों, तो सर्कल में अपरिमित मतलब इनफाइनाइट सिमेट्री लाइन होते हैं, तो अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, कह रहा है 6 समबाहु त्रिभुजों के प्रयोग से, आपने लिखी कौन सी त्रिभुजों के प्रयोग से, बच्चों आपके 6 समबाहु त्रिभुज हैं, इसके प्रयोग से आप क्या बना सकते हैं, पंचभुज नहीं बना सकते, षटभुज 6 भुजा वाली आकृति बना सकते हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, सम षटभुज बजा सकते हैं, 6 भुजा वाले कुछ बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा, देखिए कैसे प्रश्न पूछा है, बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं पूछा है, बहुत इजीली प्रश्न पूछा है जो कि आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, तो न्यून कोण देखिए 90 से कम कौन सा है, ए और डी, ए का डी ये वाला है और ए का डी, इन दोनों में से कोई एक होगा। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब जो 90 से अधिक है, 90 से अधिक मतलब 120, ठीक है,
और डी देख, तो ये हो गया बी का सी, बी का सी कहाँ है, ये हो गया बिल्कुल। अगला भी डालते हैं सी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में 180 और राइट एंगल में 90 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। ये कुछ नहीं था प्रश्न, कुछ था कुछ भी नहीं था, कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। चलिए आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार 9 किलोग्राम है, तो 2200 सिक्कों का भार, क्या ये बच्चों 1500 मान लीजिए आपके पास अगर क्वाइन है तो इसका 9 kg यानी कि 9000 ग्राम होता है, तो एक का कितना होगा बच्चों, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया 0 से 0 गया और 15 6 या 90 मतलब एक सिक्के का वेट कितना हो गया 6 ग्राम, तो 22 सिक्के क्या भैया 22 से मल्टीप्लाई करा देंगे इंटू 22 कर देंगे, 6 2 12 का 2 carry 1 6 2 12 132 बताइए, और 2200 है ना, तो 2200 में 00 13 किलो 200 ग्राम कहीं है बच्चों, ये रहा 13 किलो 200 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए 42, उसके बाद वीडियो ख़त्म होगी क्योंकि मैथ्स के इतने प्रॉब्लम हैं हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से। देखिए कह रहा है कि सीमा जो हैं, जो सीमा हैं वो 5.1 मीटर लंबी एक साड़ी खरीद लेती हैं, ओके इतना हमने ले लिया 5.1 मीटर, और उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर है, एक पेपर है जिससे वो नापी लेती है, मान लेते हैं टेप है, टेप जिससे नापती हैं, वो 30 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो 5.1 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा 510 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, 510 सेंटीमीटर इनके पास साड़ी है और इनके पास 30 सेंटीमीटर का टेप है, तो कह रहा है बच्चों कि इस ट्रेसिंग पेपर की सहायता से वो साड़ी की लंबाई इस डिज़ाइन से ट्रेस करना चाहती हैं, तो वो बाद में प्रिंट करेंगी, उसे कितनी बार ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना पड़ेगा, कितनी बार, ठीक है, तो उनको कितनी बार करना पड़ेगा बच्चों, 510 सेंटीमीटर उनके पास टोटल साड़ी है और उनके पास जो टेप है वो टेप केवल 30 सेंटीमीटर का है, तो इस 30 से डिवाइड करिए ना निकल जाएगा, 0 से 0 गया और 3 का है, 3 1 जा 3 carry 2 3 7 जा 17 51 बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट कहते हैं बच्चों, कह रहा है कि 9:10 से 4:20 पहले, अच्छा 9:10 ओके 9:10 से 4 घंटा, तो 9:10 से 20 मिनट पहले कितना होगा 8:50, कोई समस्या, अब 8:50 से 4 घंटा पहले कितना होगा बच्चों 4:50, कोई दिया है, ये तो दिया रहा 450, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए अब ये कह रहा है कि बच्चों किसी चित्रालेख में 1000 समाचार पढ़ने पर किसी व्यक्ति को विशेष प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है, मान लीजिए किसी चित्रालेख में कोई इंसान अगर 1000 समाचार पत्र पढ़ लेगा तो उसको एक टोपी पहना दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब हिंदी समाचार को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने प्रतीकों का उपयोग, यदि उनकी संख्या है 8500, ओके ये बात है। अब कह रहा है कि टोटल 8500 आपके पास पेज हैं, ठीक है, 1000 के पढ़ने पे आप टोपी पहनाते हैं तो टोटल आपको कितनी टोपी चाहिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 85 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8.5, कोई बात नहीं, 8.5 कहाँ है, ये रहा 8.5, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न, कोई दिक्कत। अच्छा ये वाला तो बिल्कुल एज इट इज़ क्लास 8 में दिया रहता है, एज इट इज़ क्लास 8 का सवाल है ये, इसको बिना आंसर पढ़े भी कर सकते हैं। ये देखिए कह रहा है कि इसमें 5 1 हैं, मतलब 1 1 1 1 पाँच हैं टोटल, तो इसको जब सेम से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये पता है कैसे होता है, कितने एक है 5, तो ये 5 बार जाएंगे 1 2 3 4 5 फिर यहाँ से वापस आ जाएगा 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 कहाँ है, ये रहा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 दिया रहता, 3 जैसे मान लीजिए ये 4 है, तो 4 है तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1 ऐसे जाता, ठीक है। तो ये हो गए आपके टोटल मैथ्स के 23 जनवरी के पूछे गए न्यूमेरिकल प्रश्न, तो ये हमने यहाँ पे सारे प्रश्न को हल कर दिया, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बच्चों, देखा आपने ऐसे ही करके हम क्या कर रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के पेपर 1 हो या पेपर 2 को, उसको सॉल्व कर रहे हैं, और क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो अच्छा लगेगा। अगर आपने 23 जनवरी को दिया था तो बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही होंगे, सब सही हो जाएंगे जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी किस नए दिन आपने पेपर दिया था वो भी आप हमें बता दीजिए, ताकि हम उसका भी ऐसे मैथ को सॉल्व करा सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब मुझे दीजिए इजाज़त, आप खुद से पढ़ते रहिए। बाकी कैसी लगे वीडियो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, आपका पेपर कब था वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, सब बखैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।